नमस्कार, मैं कमल कौशिक। सीधे हम न्यूज रूम से आपको लाइव बुलेटिन दिखा रहे हैं और हम इस समय संपर्क में हमारी पूरी टीम की, जो कि हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह तैनात है, मौजूद है, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी खबर है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर। जी हाँ, एक जनहित याचिका दायर की गई है और हरियाणा में बॉर्डर से इंटरनेट रोक पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। कल ही खबरों तक ने ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी। हाईकोर्ट में धारा 144 को भी चैलेंज किया गया है कि कैसे आप लगा सकते हैं। ये जनहित याचिका दाखिल की है एक वकील ने और इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे हम बातचीत भी करते हैं। जितेंद्र, आप कहां पर मौजूद है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं और इस खबर को लेकर जानकारी दीजिए। आपने खबर कल बताई थी लेकिन आज सुनवाई होनी है, ये जानकारी मिल पा रही है। किस तरह से जनहित याचिका लगाई गई है, क्या आधार है और किसने लगाई है, क्या कुछ हो सकता है, तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी भी दीजिए और अपडेट भी आपसे लेना चाहेंगे इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर। देखिए बिल्कुल कमल, सबसे पहले हाईकोर्ट के हवाले से ये खबर हम बता रहे हैं कि कल एक PIL दर्ज की गई थी, PIL जो है दाखिल की गई थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर। और इस PIL का मकसद था कि जो धारा 144 लगाई गई है या फिर जो बैरिकेटिंग की गई है, आम जन को इसको लेकर के दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है, उसको लेकर के इसे चुनौती देते हुए एक याचिका जो है वो दर्ज की गई, दायर की गई थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। साथ ही साथ बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक्टिंग CJ को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि अगर वकील ना पहुंच पाए तो कोई एडवर्स डिसीजन ना लें, क्योंकि रोड ब्लॉक की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो वकील हैं वो भी समय से कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके का कोई एडवर्स डिसीजन ना लिया जाए। तो ये दो अहम बातें हैं जो आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होने जा रही हैं। एक और, जहां वकीलों ने ये आग्रह किया है एक्टिंग CJ के समक्ष, बार एसोसिएशन की तरफ से ये आग्रह किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक PIL भी इसको लेकर के दायर की गई है। PIL का मकसद यही है कि जो आम जन है, जिस तरीके की दिक्कतें रोड ब्लॉक को लेकर के हो रही हैं, इंटरनेट को लेकर के हो रही हैं, उसे चुनौती दी गई है। अभी ये देखना है कि हाईकोर्ट में आज इसको लेकर के किस प्रकार की सुनवाई रहती है और किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। जहाँ तक बात की जाए हमारे लोकेशन की, तो इस वक्त हम सरदूलगढ़ में मौजूद हैं जो कि फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला है, जहाँ पर किसान जथेबंदियाँ जो है वो इकट्ठा हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद सरवन सिंह पंदेर, जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से प्रेस वार्ता भी की जाएगी। एक विस्तृत नज़ारा आपको दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उनका बना हुआ है। यहाँ पर ही रात से ही ये तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं वो एकत्रित हो रही थी और उनकी तरफ से अगर हम बात करें, अब ये कुछ ही देर बाद जो जत्था है वो शंभू बॉर्डर के लिए निकलेगा। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सरदूलगढ़ से, जो कि फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से ये पड़ाव डाला गया था रात को। आज अगर हम बात करें तो अभी जो लंगर चखने का जो माहौल है वो सुबह सुबह यहाँ पर देखा जा सकता है। अब से कुछ ही देर बाद ये तमाम किसान जथेबंदियाँ यहाँ से जो है दिल्ली कूच के लिए रवाना होगी। 9:30 बजे सरवन सिंह पंधेर की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी यहां पर की जाएगी और ये पूरा नज़ारा हम इस वक्त दिखाने का काम कर रहे हैं। इस पूरी मूवमेंट को, खबरें अभी तक पर हमारा प्रयास रहेगा, अगर इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं हुई तो तमाम तस्वीरें जो हैं हमारे सभी दर्शक जो हैं वो लाइव देखने का काम करेंगे। अभी इंतजार किया जा रहा है किसान आगू नेताओं का, जो यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे। कल 5 घंटे से भी अधिक चली जो बैठक थी कबल, वो बेनतीजा रही थी। केंद्र के 3 मंत्रियों के साथ ये बैठक रही थी और MSP को लेकर के जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ पाई थी। और अगर हम बात करें इसको लेकर के, अब किसान जथेबंदियां आगे बढ़ने की बात कहते हुए नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले सरवन सिंह पंधेर की तरफ से किसान नेताओं के साथ एक बैठक भी की गई है और 9:30 बजे उस बैठक का क्या कुछ मसौदा रहा, क्या केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दोबारा से संपर्क साधा गया है, इसको लेकर के पूरी जो जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन किसान जत्थेबंदियों का ये जो जत्था है, जो शायद ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जत्था होगा जो शंभू बॉर्डर पर पहुंचेगा, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारियां की गई है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो वहीं किसानों के ये जो जत्थे हैं ये आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जत्थे हैं वो इस वक्त फतेहगढ़ के अंदर पड़ाव डाले हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद शंभू बॉर्डर पर ये तमाम जो जत्थे हैं वो पहुँचते हुए नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कमल, और जो किसान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस तरीके से, आप जो तमाम जो जत्थेबंदियाँ आई हैं
उनकी आप मदद कर रहे हैं, किस तरीके की मदद आपकी तरफ से की? नहीं, मैं संगठन का मेंबर हूं, जो हमारी मांगे हैं जो उस पर वक्त लिख कर दी थी, हमारे लिख दी थी, वो अभी तक लागू नहीं की इसने। MSP एक था और जो पर्चे किए थे नौजवानों पे उसको रद्द करना था, और स्वामीनाथन C2 की जो रिपोर्ट लागू करने की बात हमारे साथ निश्चित की गई थी अपने वहाँ के खेती बाड़ी मंत्री तोमर साहब से, पर अभी तक कोई भी लागू नहीं हुआ उस पर। यह दोबारा उस पर मुलतवी किया गया था, यह धरना कहा गया था ये अब हम ना करेंगे तो अब धरना दोबारा लगा सकते हैं। अभी तक 24 का इलेक्शन आ गया, सबको सब कुछ दे दिया इसने, पर जो किसानों की मांग अभी तक पूरी नहीं की, उसके लिए जा रहे हैं। जे हमें अभी दे दे, जो मीटिंग हुई उसमें कह लिख कर दे देते, लागू कर देते, क्या दो दिन की बात थी, सभी निर्दलीय जो पार्टी थी उनमें मान जाना था, MSP पर जो कानून बन जाता हम जहीं से वापस चले जाते, हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है। देखिए, आप किसान आगू नेता जैसा बयान देते हैं, आप किसी से भी बात कर लीजिए, सभी जो किसान है वैसा ही आ रहा हूँ। सिर्फ 20 सेकंड में आपके पास फिर से आ रहा हूँ, यहीं से बात अपनी फिर से शुरू कीजिएगा। एक बड़ी खबर यह है, 10 बजे का समय और जितेंद्र से भी मैं पूछूंगा यहां पर कितने बजे कूच करने की तैयारी है। एक बड़ी खबर, 10 बजे से दिल्ली कूच करने की तैयारी इन किसान नेताओं की है जो तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। 10 बजे ही ये दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर सुरक्षा बल के जवानों का भी सामना करने वाले हैं, उन तैयारियों का भी, जिसमें यह देखा जा रहा है कि वहां पर बड़ी बड़ी कीले हैं और कंटीनी तारे हैं, बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब हैं जिनको सीमेंट के जरिए ही जमीन में गाड़ा गया है, उनको कैसे पार किया जाएगा? कल हमने बातचीत भी की थी जितेंद्र, यही सवाल, कैसे पार किया जाएगा? कल आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था शंभू बॉर्डर पर, हमने सवाल किया, वो कह रहे थे हाइड्रा मशीन है, JCB है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान नेता, प्रदर्शनकारी किसान भी। सवाल यह है कैसे इतनी बड़ी चुनौती को पार करके दिल्ली कूच किया जा सकता है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखिए बिल्कुल ना, आपको कमल इसका भी जवाब हम देंगे, लेकिन एक जगह हम पहुंचे हैं जहां पर जो लंगर की पूरी तैयारी है वो यहां पर की गई है, उस मशीनरी से भी हम रूबरू कराएंगे क्योंकि अभी तक वो मशीनरी हमने यहां पर नहीं देखी है जिसका दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा था। ये देखिए आप ट्रैक्टर पर जो लंगर की जो तस्वीरें एक बार दोबारा से जो यहाँ पर कह सकते हैं कि दिखना शुरू हो रही है इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लंगर है, सबसे पहले तमाम जो किसान हैं उनको लंगर देने का काम जो है वो यहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि उनका इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, कहाँ के वो रहने वाले हैं और पूरे आंदोलन को लेकर के उनकी भूमिका जो है वो किस प्रकार से रहेगी। जी आप बताइए कहाँ के, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? रेवना उच्चा दे असि, नेड़ी पिंड है साडा। तो अपनी तरफ से आप लंगर तैयार कर? जी अपनी साइड से साडे के असि आप कर रहे हैं। क्या क्या है लंगर में आपके पास? साडे कोल चाह है, मठी है, दाल है, रोटी है, पानी है, सब प्रबंध है। आप बताइए ये जो मांगे ना मानी गई है, कल जो बात जो है बेनतीजा रही थी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच रहे हैं आप किसान के? मना के छड़ांगे, उन्ना चिर नहीं वापस आउंदे जिन्ना चिर नहीं मन्नदे, राशन पानी सारा तैयार है साडे कोल। असीं आ लंगर हुण तां इस टाइम शंभू बॉर्डर तक जा रहे हैं, जे अगे जावांगे तां नाले लंगर उत्थी भी जाऊगा। अगे कैसे जाओगे, बहुत ज्यादा स्लैब्स लगाई हुई, सब कुछ चक दांगे, कोई ना इकट्ठे होके ही जावांगे, सारे उत्थे मिलजुल के जावांगे। क्या क्या मैसेज है आपके पास, कितने बजे आप निकलेंगे यहां? यहाँ से तो हम 10-11 बजे निकलने के हैं सभी यहाँ से, वो जो आगे जो प्रधान बताएंगे उसके बाद की है बात। बताइए क्या कह रहे हैं? 2 मिनट का काम है जी साडा, ये तो चौड़ा जहा कर रहे हैं, मिनटा च काम करके परे करना है। मोदी नु पहला भी पता है, पहला भी यही काम करे, तो पहला भी नेरी ले आती थी, उन्हें पता है भी मैंने कानून वापस लेने पैने हैं, वो तो माड़े जे डिके जे डा रहा है, फिर जब गोडनियां लवाती हैं फिर आपे हट जू। धन धन हो बाबे नानक की कृपा, ये नहीं मुकदा, ये सारी उम्र नहीं मुकदा, जिन्ना चिर यह कहूगी संगत उन्ना चिर काम चलता रहूगा। यह श्री गुरु नानक देव जी की देन है, ये नहीं मुकदा लंगर। जे मोदी कहे भी लंगर मुक जूगा या राशन मुक जूगा, पंजाब तो सारे पासे राशन दे दे के गरीबा खिला रहा है, ये नहीं मुकदा, धन धन हो जूगी। तो आप देख सकते हैं कमल के किस तरीके से यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की जा रही है, ललित वो अनाउंसमेंट भी दिखाइए क्योंकि अनुशासन में रहना है, किस तरीके से चलना है, ये पूरी जो अनाउंसमेंट्स है ये करते हुए बताने का काम भी किया जा रहा है।
तमाम लोग जो हैं अनुशासन के अंदर किस तरीके से रहे, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स, क्योंकि हम भी जिस ट्रैक्टर पर सवार हैं, ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से सड़कों के बीच में ट्रैक्टर ना लगाए जाएं ताकि आवाजाही में, आवागमन में किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना देखने के लिए मिले। तो ये अनाउंसमेंट्स हैं अनुशासन को लेकर के। दूसरी तरफ किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं, ट्रैक्टर दिखाए थे काफी संख्या में, वो ट्रैक्टर हमने देखे, ट्रैक्टर ट्रॉली। इन ट्रैक्टर ट्रॉली में क्या सामान है, क्या राशन है, वही जो हमने किसान आंदोलन पार्ट वन में देखा था, क्या क्या सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं किसान नेता, अगर आप दिखा सकते हो तो, या कितनी संख्या में ट्रैक्टर है वो आप दिखा सकते हो कैमरे को पैन करके। देखिए बिल्कुल कमल, जिस ट्रैक्टर पर हम इस वक्त चल रहे हैं ये भी पानी का जो ट्रैक्टर है, इसके साथ जो साथ में जो टैंकर है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। साथ ही ये जो किसान हैं उनकी तरफ से अपना जो एक तरीके से टेंट नुमा जो ट्रॉली है उसको रूप दिया गया है, और वाटरप्रूफ तरीके से इसी में रहने की पूरी जो व्यवस्था है किसानों की तरफ से वो जहाँ की गई है, तो वहीं राशन पानी का भी जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने इस ट्रॉली के अंदर ही ये पूरा नज़ारा जो है वो देखा जा सकता है। गद्दे हैं, रजाई है, पानी का कैंपर रखा हुआ है, और पीछे अगर हम बात करें तो राशन की जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। मोबाइल चार्जिंग्स की डिवाइस से लेकर के यहाँ पर जो सॉकेट्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी पूरा पक्का बंदोबस्त करके किसान जो हैं, जो पहली जो प्रैक्टिस रही है किसानों की और दूसरी तरफ प्रशासन की भी, उस पूरी प्रैक्टिस को यहाँ पर दोनों ही तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब ये देखना है कि इस पूरी प्रैक्टिस में किस तरीके से अब आगे जो नज़ारा है वो रहेगा, जो बैरिकेड तोड़ने की बात कही जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ रहेगा, कुछ आप देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स भी आगे जो है वो नज़र आ रहे हैं, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से कोई खास अड़चन इसको लेकर के नहीं दी जा रही है। तमाम जो किसान आगू हैं वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं, और कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि एक बातचीत जो है यहाँ पर की जाए। सुखनाथ सिंह जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं किसान, आप प्रशासन की तरफ से क्या किसानों को कहा जा रहा है आपकी तरफ से? नहीं जी, अभी हम एज अ पुलिस फोर्स हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई इशू ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि बहुत ट्रालियाँ आगे सर्विस लेन च आगे लगी हुई हैं, असी तो वो मैनेज कर रहे हैं। किसी तरीके से किसानों के रास्ते में कोई बैरिकेटिंग आपकी तरफ से या रोकने का काम कोई पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू। तो व्यवस्था आपकी तरफ से ट्रैफिक की ही देखी जा रही है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे? हाँ, ट्रैफिक देख रहे हैं जी, क्योंकि हाईवे है, गड्डियां तेज आउंदियां, उरे बहुत ट्रॉलियां लगियां हुई हैं, कई बार कोई जाने अनजाने कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, असी तो उस दे मद्देनजर उरे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस जो है इस व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है कमल, के किसी भी प्रकार से जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रहे, क्योंकि जो ट्रॉली जो लगी हुई है वो ट्रॉली सर्विस लेन पे लगी हुई है, सर्विस लेन पर जो है उनको एक एक जगह जो है यहाँ पर बनी हुई है सर्विस लेन, इसकी वजह से जो है वो ज़रूर ब्लॉक है, लेकिन हाईवे पर क्योंकि गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, हाईवे पर कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम पंजाब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जबकि हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार की तरफ से इसको लेकर के एक अलग रुख है कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन पंजाब में किसानों के सामने इस प्रकार की कोई अड़चन पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है, ताकि किसान अगर आगे जाना चाहते हैं तो इसका पूरा दामोदार जो मांग है वो सब तमाम चीज़ें केंद्र जाने, हरियाणा सरकार जाने, पंजाब के अंदर चूंकि सरकार भी दूसरी है तो किसानों की बुराई आखिर पंजाब सरकार, पंजाब प्रशासन क्यों ले, केंद्र से मांग है, केंद्र से मांगने जा रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, ये रुख भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, चाहे प्रशासन के तौर पर हो या सरकार के तौर पर हो। कमल, पलों बाद फिर से आपके पास लौटूंगा, और लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी, क्योंकि पंजाब में तो आप मौजूद ही हैं लेकिन हरियाणा में भी, जहां फरीदाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, चाहे हम अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, सोनीपत, हर जगह हमारी टीम मौजूद है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अनिल राठी की ग्राउंड रिपोर्ट। किसान आंदोलन 2 की शुरुआत हो चुकी है और आज 13 तारीख को जो है वो किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। तमाम बॉर्डरों पर जो है वो दिखा देते हैं हम आपको, तमाम बॉर्डरों पर जहां एक तरफ किसान जो है वो जमा होने इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार किसानों का हुजूम जो है वो तमाम बॉर्डरों पर जो है वो पहुंच चुका है। ये फिलहाल जो है वो आपको
फरीदाबाद बॉर्डर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद बॉर्डर के किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पे, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखिए पूरे तरीके से पुलिस यहाँ पे तैयार है। और फरीदाबाद पुलिस की बात कर जाए तो कई जगह बैरिकेटिंग जो है वो पहले ही की गई है, जिससे कि खास ही खास देखिए पूरे तरीके से जो इंतजाम जो होते हैं किसान आंदोलन के जो चलते जो किसान यहाँ पे पहुँचेंगे उन लोगों को रोकने के लिए दिल्ली कुछ ना करें उसको लेकर के जो है वो इन बाकायदा पुलिस ने यहाँ पे भारी संख्या में बैरिकेड्स और जो डिवाइडर होते हैं रोड को ब्लॉक करने के लिए डिवाइडर और साथ ही साथ जो एक तरीके से कहते हैं कंटेनर जो है वो बकायदा यहाँ पे खड़े किए हैं। और ऐसे कंटेनर रास्ते में लगभग 3 जगह पे जो है वो फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो खड़े किए गए हैं ताकि किसान जब दिल्ली की तरफ यहाँ से कूच करें तो उनको जो है वो रोका जा सके। हालांकि फिलहाल जो है वो सामान्य रूप से जो यातायात है वो यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए असुविधा ना हो आम जन को भी जो है वो पूरा खासा ख्याल जो है वो आम जन का पुलिस की तरफ से जो है वो रखा जा रहा है। और बकायदा पुलिस ने जो है वो एडवाइजरी भी जारी करी थी कि आज के दिन जो है वो अपने निजी वाहनों का प्रयोग ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल इस बॉर्डर की जो है वो स्थिति बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि ये फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर जो है वो लगता है और बदरपुर बॉर्डर पे इस समय हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे कि सामान्य रूप से जो है वो यातायात जो चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ एहतियातन की तौर की बात करी जाए तो एहतियातन के तौर पर जो है वो पुलिस पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम करके जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है ताकि किसी भी प्रकार से जो यदि किसान यहाँ पे मूव करते हैं किसानों का जत्था यहाँ पे आता है तो उन लोगों को जो है वो फिलहाल रोकने की तैयारी कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की पूरे तरीके से है। और 3 जगह इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस ने बाकायदा पहले की हुई है, पुलिस के जवान जो है वो तैयार हैं और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके भी जवान जो है वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली कूच ना कर सकें। और फिलहाल ये भी खास ध्यान रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो आम जन है स्थानीय लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की इस आंदोलन के चलते जो है वो असुविधा ना हो। फरीदाबाद से अनिल राठी खबरें अभी तक। तो आपने फरीदाबाद से अनिल राठी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछला किसान आंदोलन हमने देखा तो इसका जिक्र बार बार होता था सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद। गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, देखिए हमारे संवाददाता राजा पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें पूरी तरीके से तैयार हैं। दिल्ली की पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये सीमा बनाई गई है, ये सीमा कोई बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली और गाजियाबाद यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उसकी बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर तार फेंसिंग की गई है। अमूमन ऐसा बॉर्डर पर देखा जाता है, अलग अलग सीमाओं पर देखा जाता है, पर जिस तरीके की यहाँ पर तार फेंसिंग की गई है, नुकीली जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड है जो लोहे की वो रोड लगाई गई हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर फेंसिंग की गई है। उस पार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो उधर का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश लगता है और जो दूसरी साइड मेरी तरफ मैं अपने कैमरा में से बोलूं दिखाएं कि दूसरी साइड जो ये बैरिकेटिंग है ये दिल्ली है। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है पूरी तरीके से पहले तार फेंसिंग की गई है, उसके बाद पूरी तरीके से इस बस को यहाँ पर लगाया गया है, उसके बाद बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं, उसके बाद 3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, पहली दूसरी और तीसरी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और दिल्ली पुलिस लगातार 24 घंटे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिगरी बॉर्डर की बात करें, जो भी अलग अलग राज्यों के बॉर्डर हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस 24 घंटे पहरा देती हुई नजर आ रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस है उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि आज किसान दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, गाजीपुर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारी है ये आपने देखी है, हमारे संवाददाता इस समय ग्राउंड पर मौजूद रहकर पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी लाइव तस्वीरें भी। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे, ब्रेक के बाद आप देखिए किसान नेता क्या कहते हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचाएंगे।